नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उमेश पाल मामले में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि बीते 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को ढेर कर दिया गया, जिसके बाद लगातार पुलिस अब आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स 4 दिन से प्रयागराज में शाइस्ता परवीन को पकड़ने की तैयारी कर रही थी। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के बेहद करीब पहुंच चुकी थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, लेकिन लेडी डॉन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज के हटुआ इलाके में है। सूत्रों ने कहा कि उसे अतीक के भाई अशरफ अहमद के ससुराल के पास देखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब एसटीएफ की टीम वहां छापेमारी करने पहुंची तो बुर्का पहनी महिलाओं ने टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई और इसका फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गई। सूत्रों के मुताबिक जब लोगों को सूचना मिली कि एसटीएफ की टीम छापेमारी करने आ रही है तो स्थानीय मस्जिद से अनाउंसमेंट कर महिलाओं को छोड़कर सड़क पर जाने के लिए जमा कर दिया गया। इस भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता वहां से भाग गई। इससे पहले यूपी पुलिस ने नैनी जेल जाकर अतीक के वकील खान सौलत हनीफ से पूछताछ की, जो गैंगस्टर का बड़ा विश्वास पात्र है। और अब ऐसे में पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि कई आपराधिक मामलों में खुद जमानत पर बाहर चल रही मुंडी पासी शाइस्ता परवीन के भागने में मदद कर रही है, उसे खुफिया जानकारी मुहैया करा रही है। पुलिस को शाम्बी बॉर्डर के पास मुंडी पासी और अतीक के गनर अतेश शास की तलाश हो रही है। शाइस्ता परवीन के साथ अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी भी फरार हैं। दरअसल आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन साल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल के निधन में मुख्य गवाह उमेश पाल मामले में इस पूरे कांड को बनाए जाने की असली मास्टरमाइंड है और तभी से शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक और अशरफ के ढेर हो जाने के बाद आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन इस पूरे मामले में इकलौती ऐसी शख्स है जो अभी भी फरार चल रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि शाइस्ता परवीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।